गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करें सेल 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड फाइव ऐसा नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच रेशनल नंबर निकालना है। कभी भी आपका क्वेश्चन आए कि रेशनल नंबर फाइंड करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, दोनों का सेम नहीं है तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे। तो मैं जो सबसे बड़ा नंबर है उसको चेक करूंगा कि वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 से चेक किया मैंने 5 को तो नहीं होता, उसके बाद 5 पे डबल किया 10, 10 चेक किया नहीं होता, फिर मैंने किया 15। हाँ 15 क्या है, चेक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, 5 भी डिवाइड हो जाता है, एलसीएम कितना आ गया 15। 3 से अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। तो 2 से मैं 5 को इंटू कर दूंगा, 3 से भी मैं 5 को इंटू कर दूंगा, क्योंकि यहाँ 2/3 था, 2/3 था, 5 से इंटू कर दे, कितना हो गया 10/15। तो ये तो बन गया 10/15 सेम। अब इसके नीचे 15 आने के लिए कितने से इंटू करना पड़ेगा, 5 को डिवाइड किया 15 को 3 टाइम, तो मैंने क्या करा 4 को भी 3 से इंटू किया, 5 को भी 3 से इंटू किया, 5 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, तो ये बन गया 12 और 15। यहाँ तो ये बन गया, अब देखिए 10 और 15 और यहाँ बन गया 12 और 15, 10/15, 12/15, इनके बीच में कितने नंबर आ रहे होंगे, एक नंबर, 11/15, कितने रेशनल नंबर मिला मेरे को, एक मिला इनके बीच में, लेकिन मुझे कितना चाहिए था, 5 चाहिए। अब मैं कितने से किसी भी नंबर से इंटू कर सकता हूँ ऊपर नीचे कि मेरे को यहाँ को 5 तक का पहुँचा हूँ। अगर मैं इसको देखो 2 से इंटू करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को 2 से इंटू किया, ऊपर भी 2 से इंटू किया, नीचे भी इंटू से, अब हमारा डिनोमिनेटर सेम मिल गया तो डिनोमिनेटर चेंज मत करना, ठीक है। अब मैं 2 से नीचे कर रहा हूँ तो दोनों साइड 2 से ही करूंगा। अगर देखो यहाँ 3 से कर दो तो कितना बन जाएगा, 4 × 3 = 45 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से 30 बन जाएगा, फिर से अलग अलग बन जाएंगे, फिर से हमें सेम करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग सेम नंबर लेते हुए चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ बन गया 20/30, यहाँ बन गया 24/30। अब देखो इसके बीच में कितने मिले हमें, 21, 22, 23 और 24 के आगे, फिर कितने मिले, 3 ही मिल पाए हमें, हमें कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे, तो हम लोग डायरेक्ट किसी बड़े नंबर से भी इंटू कर सकते थे, ठीक है। अब मैंने 2 से, अब मैं इसको फिर से 3 से करता हूँ, किसको, इसको जो हमारा कन्वर्ट हो गया है, इसको 3 से इंटू किया, 60/90 यहाँ मिल गया, और 3 × 12 = 72/90। अब देखो इनके बीच में कितने नंबर लिखे मिल गए मेरे को, 61, बहुत सारे मिल गए, 61, 62, 63, 64, 65, 66, मानो कितने चाहिए, 5 चाहिए थे बस, हमें बहुत सारे मिल गए हैं, तो वो कितने से इंटू करते हुए आ रहे हैं, 3 से इंटू करते हुए यहाँ पे वो पहुँच गए हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बनाते जाऊँ या क्या करूँ, एक ही करके चेक करते जाऊँ तब बनाऊँ, ये थोड़ा ईजी रहता है, लेकिन अगर हमें और आसानी से बनाना है, जल्दी से आंसर निकालना है, तो क्या करना चाहिए, एलसीएम कुछ बढ़ा लें, जैसे कैलकुलेशन कर रहे हो उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आने वाले हैं। जैसे ये दोनों लिया, अब मैंने यहाँ को मैं पहुँचा था 15 तक, 15 में कोई बदला नहीं आ रहा, तो लोग इसी रेशनल नंबर कितना रहता है, 30। 30 में को चेक करना चाहिए कितना आ रहा है, अगर उसको 10 से इंटू करूँ, क्योंकि 3 से मैं 30 को डिवाइड करूँगा 10 टाइम, यहाँ 20/30 बन जाएगा, और इसमें कितने टाइम करने वाले, 6 टाइम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, 6 टाइम 6 × 4 में 24, यहाँ पर 24 आ रहा है और यहाँ पर 20 आ रहा है, 20 और 24 के बीच में नहीं आने वाला, मेरे दिमाग ने कह दिया पहले, ठीक है। तो इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसका और आगे बनाऊंगा, 30 आया, 30 से नहीं जाने वाला, उसके बाद मैंने किया 5 से और 35, 3 से डिवाइड नहीं होता, फिर मैंने किया 40 भी नहीं होता, उसके बाद मैंने किया 45 डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम होता है, 9 टाइम, ये इसमें 45 में चेक किया, लेकिन 15 टाइम होगा। अब 15 से मैंने दोनों टाइम दोनों साइड इंटू कर दिया, 15 × 2 = 15 × 3, सेम इसको भी मैंने कन्वर्टर के चेक किया, यहीं पे वो 45 से कितने टाइम हो गया, 9 टाइम, 4 × 9 = 5 × 9, तो ये हो गया मेरा 30/45 और ये बन गया 36/45। अब देखो यहाँ 30 और ये 36, इसके बीच में कितने आगे, 5 चाहिए थे, हाँ मिल गया हमें, 31, 32, 33, 34, 35, तो 5 चाहिए थे, 5 हमें पास मिल गया, ठीक है। तो ऐसे इसको हमें चेक करना है कि क्या इसका एलसीएम आएगा, जो हमें 5 बोले तो 5 आ गया, अगर इसे 10 बोलता तो और आगे जाना पड़ता, अगर 20 बोलता फिर और आगे जाना पड़ता, ठीक है। तो मैंने सिंपल लिख दिया बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय
अब क्या था ये करना था 2 अपॉन 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 15 से एंड 4 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर को भी ऐसे 2 अपॉन 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया से 15 से किया दोनों साइड इसको क्या 4 अपॉन 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो ये बन गया 30 अपॉन 45 और ये बन गया 36 अपॉन 45। तो अब इसके बीच में 5 ऐसे नंबर हमें इसके बीच में मिल जाएंगे 30 अपॉन 45 32 अपॉन 45 33 अपॉन 45 34 अपॉन 45 35 अपॉन 45। ठीक है ये काउंटिंग करके 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। तो हमारा काम क्या था, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना था, डिनोमिनेटर को हमने सेम किया। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने पर तो हमें कितने भी मिल जा रहा था, इसका डिनोमिनेटर 15 में सेम आ जा रहा था, लेकिन उसके बीच में 5 रेशनल नंबर हमें नहीं मिल रहे थे। तो इसका हम लोग आगे गए, आगे हमने देखा 30 पे भी हमें इसका डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा था दोनों का, लेकिन फिर से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, फिर से हमें 5 रेशनल नंबर नहीं मिल रहे थे। फिर जैसे हम लोग 45 पे पहुंचे इसका सेम करते हुए तो हमें वहां को 5 रेशनल नंबर मिल गए। अभी तो हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, अगर हमें 10 चाहिए होते तो फिर हमें और आगे जाना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे ही हम उसका डिनोमिनेटर सेम करते हुए आगे को बढ़ते रहेंगे, जहां तक हमें रेशनल नंबर मिल जाएंगे वहां पे वो रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसका इसके तीन को तीन पार्ट्स और हैं अभी, तो उनको फिर से हम लोग देखेंगे। अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कल तो उनको भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।